तो दोस्तों आज की ये वीडियो में मैं इंट्रो नहीं देने वाला हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है और वीडियो पूरा देखना है दोस्तों आपको। और आपको पता ही है ये आपका ही चैनल यूट्यूब चैनल चतुरु फार्मिंग है, तो चैनल पर बने रहें दोस्तों और वीडियो पूरा देखें। ये इस तरीके से दोस्तों ये जब भी राजहंस जो हैं मेटिंग करते हैं दोस्तों, तो उसके विद इन 3 या 4 मंथ के बाद ही ये लेइंग करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो है ये जैसे ही मेटिंग इनकी शुरू हो जाती है उसके 3 से 4 महीने के अंदर ही ये लेइंग पे आ जाते हैं। तो ये अपना जो है घोंसला बनाने के लिए इधर उधर अपने लिए जगह ढूंढते हैं दोस्तों, तो मैं इनको बेसिकली इसी में ही रखता हूँ ज़्यादातर। जैसे ही ये लेइंग पे आए हैं तो ये अपने लिए जो है ये अपना घोंसला बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए कुछ इस तरीके से ही मैंने इसमें जो है थोड़ा सा घास रख दिया था दोस्तों, अंदर सूखी जो तिलियाँ होती हैं वो अंदर डाल दी थी। तो इसने खुद ही अपने तरीके से जो है इसने घोंसला बनाने के लिए पूरा प्रॉपर घास को अपनी तरफ खींच लिया है और ये घोंसला बना रही है दोस्तों। और दिन में दोस्तों 1 या 2 बार जो है ये इसके घोंसले के अंदर जो है वो बैठती है और पूरे तरीके से जो है इसमें लेइंग के लिए अपने लिए जगह बना रही है दोस्तों। और मैंने 2 या 3 बार जो है ये वीडियो शूट किया है क्योंकि इसमें बीच बीच में मुझे काफ़ी कुछ आपको दिखाना था पूरे प्रॉपर तरीके से। तो इसलिए ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है ये इसने लेइंग के लिए पूरा घोंसला बना दिया है और मुझे लगता है कि ये आज या कल में जो है लेइंग कर देगी। और ये देखिए नेक्स्ट डे जो है ये इसने लेइंग की है दोस्तों। राजहंस जो हैं वो लेइंग करते हैं पूरे 1 साल बाद, जैसे मैच्योर हो जाती हैं ये लेइंग के लिए, तो पूरे 1 साल बाद जो है ये लेइंग करती हैं दोस्तों, अंडे देती हैं और ये खुद ही हैच करती हैं दोस्तों। कई फार्मर्स की जो है वो कमेंट आते हैं कि ये हैचरी में इनको हैच करना पड़ता है क्या इनके जो अंडे होते हैं, लेकिन ये खुद ही हैच करती हैं दोस्तों। मैंने जो ये रखी हुई हैं राजहंस, इसमें से जो फीमेल है ये खुद ही अंडों को सेकती है दोस्तों, और मेल जो है वो प्रॉपर तरीके से इसको पूरी देखभाल करता है इसका कि कोई घोंसले में कोई आ ना जाए। तो पूरी मैं भी जैसे ही वीडियो शूट करने के लिए आगे जाता हूँ तो दोस्तों ये मेरे कैमरे की तरफ को टूट के पड़ता है कि अटैक करने के लिए, ताकि ये अपने अंडों की सेफ्टी कर सके। और फीमेल जो है वो पूरी हैच करती है दोस्तों, और आज फर्स्ट एग दिया है इसने। और एक दिन छोड़ के दोस्तों अगले दिन ये एक और अंडा देगी। और ये अंडे का साइज़ देख लीजिए आप कितना बड़ा है, पूरे मेरे हाथ में आ रहा है ये, जैसे मोर के अंडे होते हैं दोस्तों उसी शेप का है ये, इतने बड़ा अंडा होता है दोस्तों राजहंस का। और ये नेक्स्ट डे जो है ये इसने अभी एक और लेइंग की है, नेक्स्ट डे नहीं एक दिन छोड़ के है दोस्तों, एक दिन छोड़ के जो है वो अगले दिन जो है एक और अंडा दिया है इसने। इसका जो है कंटिन्यू जो लेइंग का प्रोसेस नहीं है, ये एक दिन छोड़ के ही अंडा देती है दोस्तों। और ये आज जो है ये 3रा दिन है, और ये देखिए ये मेल जो है वो मुझे काटने के लिए दौड़ रहा है दोस्तों। मैंने ये जितने भी इसके अंडे थे इनको इसमें घोंसले में छोड़ा नहीं था क्योंकि हमारे यहाँ पे नेवले वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही रहते हैं, तो मैंने जो है इनको निकाल के घोंसले में से अपने अंदर स्टोर में रखा हुआ था बिल्कुल ठंडी जगह पे। और कुछ इस तरीके से जो है वो 7 अंडे जो है इसने लेइंग किए हैं और मैंने सबको रख लिया था अपने पास। और ये एक एक करके जिस दिन 8वां अंडा दिया इसने उस दिन ये अंडे पे से उठी ही नहीं, पूरा दिन बैठी ही रही अंडे के ऊपर। तो मैंने सोचा कि अब ये अंडे जो हैं इसके नीचे रख देने चाहिए, शायद इसके बाद ये अंडे नहीं देगी। जैसे ही एक अंडा देती थी हर रोज़ तो ये निकल आती थी बाहर, लेकिन आज नहीं निकली, इसलिए मैंने सारे के सारे अंडे जो हैं इसी के पास रख दिए। तो मुझे लगा कि ये 8 ही अंडे देगी, तो मैंने सारे के सारे अंडे जो हैं इसके नीचे रखे हैं और ये प्रॉपर इनको कवर करके पूरे बैठ गई है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ढक रही है, ये देखिए। मैंने शॉर्ट अपने चैनल पे डाली हुई हैं पर डे जो जैसे भी है, लेकिन आज की ये पूरी प्रॉपर फुल वीडियो जो है वो मैंने एडिट करके अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये देखिए ये जो मेल है ये पूरी सेफ्टी करता है इसका कि कोई इसके बच्चों को या इसकी जो ये फीमेल है इसको तंग ना करे कोई। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से अटैक करता है दोस्तों, ये पूरा टाइम जो है ये इसी के पास बैठा रहता है, बस थोड़ा बहुत बाहर निकलता है। और मैंने इसको अंदर ही खाने के लिए ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है चपाती डाल दी थी अंदर,
तो ये खा तो नहीं रही है, ये देखिए आज 4 से 5 दिन हो गए हैं इसको लेइंग अंडों के ऊपर बैठे हुए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है ये अंडों को शेक रही है, कितने अच्छे तरीके से दोस्तों, पूरा कवर कर रखा है इसने अंडों को। और ये देखिए मैं हाथ लगा रहा हूँ तो ये बिल्कुल नहीं काट रही है। और ये देखिए ये मेल जो है वो बीच बीच में बस नहाने के लिए आता है बाहर, और थोड़ा बहुत खाने के बाद जो है ये फिर से अंदर चला जाता है दोस्तों। और जो हमारी फीमेल है दोस्तों, वो अभी अंडे पे से नहीं उठी है, आज पूरे 10 दिन हो चुके हैं और 10 दिन के बाद भी ये अपने अंडों पे से नहीं उठी है। मेरा भी फर्स्ट टाइम था ये जो राजहंस का एक्सपीरियंस, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये कितने दिन के बाद जो है ये अंडे पे से उठेगी दोस्तों। तो ये देखिए आज पूरे 11 दिन हो गए हैं और ये आज ये कुछ खाने के लिए उठी है, लेकिन बिल्कुल अपने घोंसले को छोड़ के बाहर नहीं आई है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आज इसने 10 दिन के बाद जो है वो थोड़ा बहुत खाया है। बीच में मैं रख देता था अंदर तो शायद, मुझे पता नहीं है, थोड़ा बहुत खाती होगी। और आज मैं अंडों को जो है 12 दिन के बाद जो है वो थोड़ा चेक कर रहा हूँ कि इनमें अंडे में चूजा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप बिल्कुल अंधेरे में फ़ोन की जो टॉर्च है उसको आप ऐसे कुछ इस तरीके से रख के चेक कर सकते हैं दोस्तों। और इस अंडे में जो है मुझे नहीं लग रहा है कि बच्चा बन रहा है, क्योंकि ये अनफर्टाइल अंडा लग रहा है मुझे। तो ये देखिए बिल्कुल खाली टाइप का लग रहा है दोस्तों ये, तो मुझे नहीं लगता है इसमें अभी बच्चा बनेगा, क्योंकि अनफर्टाइल एग काफ़ी निकल आते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसको चेक किया है ये। तो दोस्तों मैं अपने चैनल पे फार्मिंग, ग्राफ्टिंग और गार्डनिंग से रिलेटेड, पशुओं से रिलेटेड, किसानों से रिलेटेड जो भी समस्याएं आती हैं उनके ऊपर वीडियो अपलोड करता हूं। तो दोस्तों चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसा ही प्यार बनाए रखें दोस्तों। ये देखिए आज जो है पूरे 20 दिन हो चुके हैं इसको अंडों पे बैठे हुए, और ये आज थोड़ा बहुत जो है वो टहल रही है, बाहर भी निकली थी थोड़ा सा, लेकिन पूरे घोंसले में ही रहती है ज़्यादातर टाइम। जैसे ही मैं वीडियो शूट करने के लिए फ़ोन को लेके जाता हूँ थोड़ा इनके घोंसले के नज़दीक, तो ये जल्दी से जो है वो घोंसले के पास आ जाती है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आज काफ़ी हेल्दी भी लग रही है मुझे, क्योंकि काफ़ी 20 दिन से ये बहुत कम ही खा रही थी और आज पूरा प्रॉपर तरीके से मैं देख रहा हूँ कि अच्छे से खा रही है ये। पूरा दिन जो है ये रात दिन जो है वो अंडे पे बैठी रहती है दोस्तों। ये देखिए ये आज पूरे 22 दिन हो चुके हैं और ये बाहर निकल के थोड़ा बहुत खा रही है और थोड़ा धूप भी ले रही है। तो दोस्तों पूरे वीडियो ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों। पूरे जो है 3 से 4 महीने जो है मैंने वेट किया है इस वीडियो को बनाने में, एडिट करने में जो है काफ़ी मेहनत लगी है। तो वीडियो पूरा देखें दोस्तों। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आज ये बाहर निकल के जो है वो खाना खा रही है। मैंने चपाती डाली है दोस्तों, और ये इनको मिक्स जो है आप बाजरा और मक्का और जितने भी हैं उनका जो है दाल जो है आपके, उनको सबको पिसवा के जो है वो मोटा मोटी जो है इनके लिए खाना, वो भी अच्छा लगता है इनको। बाजरा भी पसंद है दोस्तों, गेहूं भी पसंद है। तो ये पूरा ढक के जो है अंडों को बाहर गई है, बिल्कुल ढक दिया था इसने अंडों को। और ये देखिए इसको लगा है अभी कि खतरा है, तो ये पूरा देखिए ये बिल्कुल अंदर घुस गई है। और मेल जो है वो भी साथ साथ में ही जाता है ताकि जो है इसमें कोई अंदर ना घुसे, और पूरे अच्छे से केयर करता है दोस्तों। ये देखिए मेरे को काट रहा है ये देखिए। और आज जो है पूरे 23 दिन हो चुके हैं इसको अंडे पे बैठे हुए, तो देखते हैं। ये वैसे नहीं काट रही है मेरे को, बस हल्का हल्का चिल्ला रही है। ये देखिए पूरे अंडे जो हैं, ये देखिए। तो काफ़ी खुशी होती है दोस्तों जब ये आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें आपको सफलता मिल जाए,
तो ये देखिए आज पूरे 28 दिन हो चुके हैं और मुझे लग रहा है कि ये इसने एक या दो चूजे जो है अंडे में से निकल गए हैं। ये देखिए, और ये आज कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो रही हैं। मैं बिल्कुल जैसे ही कैमरे को आगे ले रहा हूँ तो ये बिल्कुल काटने के लिए दौड़ रहा है दोस्तों। ये देखिए, और काफ़ी येलो येलो टाइप के हैं ये। ये देखिए, ये 29 दिन की मॉर्निंग की वीडियो है। मैंने जैसे ही तुरंत इसको खोला तो ये बिल्कुल, ये देखिए कितने अच्छे सुंदर लग रहे हैं दोस्तों। अभी दो ही चूज़े निकले हैं आई थिंक। ये देखिए दोस्तों, ये आज एक चूज़ा जो है वो मर गया है। ये शायद नीचे दब के मर गया था। और ये देखिए, ये एक चूज़ा जो है वो अभी ही निकला है शायद। ये देखिए, और एक दो एग जो हैं वो इसने साइड में ही रखे हुए हैं। शायद मुझे लग रहा है कि अनफर्टाइल एग हैं, इसमें बच्चे नहीं होंगे शायद। तो ये मुझे 4 बच्चे लग रहे हैं अभी जो कि ज़िंदा हैं, और एक जो है ये बेचारा दब के मर गया होगा शायद, इसके नीचे ही सांस घुटने से मर चुका होगा ये। और ये देखिए, आज मैंने इनको पूरे 30 दिन के बाद जो है थोड़ा सा पानी रखा है अंदर ही, कि बच्चों को भी आज निकले हुए 2 से 3 दिन हो चुके हैं, तो शायद थोड़ा बहुत जो है ये पानी पिए अगर। तो ये छोटा वाला जो ड्रिंकर होता है उसमें मैंने पानी डाल के रख दिया है इनको अंदर ही, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद भी ये कुछ खा नहीं रहे हैं। तो ये देखिए, और बिल्कुल येलो कलर के हैं ये, बाद में वाइट हो जाएंगे दोस्तों, लेकिन अभी स्टार्टिंग है इनकी, तो अभी जो है ये येलो ही दिखाई दे रहे हैं। और ये पूरे 32 दिन के बाद जो है दोस्तों ये कुछ इस तरीके से थोड़ा बहुत कुछ खाने लगे हैं। ये देखिए, ये मैंने छोटे से उसमें टब में जो है इनके लिए चपाती डाली थी दोस्तों, बिल्कुल बारीक बारीक पीस के जो है इनके लिए, तो ये खा रहे हैं आज, और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं दोस्तों, काफ़ी हेल्दी भी हैं। बस उनमें से एक जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर है, बाकी 3 जो हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं दोस्तों। तो ये देखिए, काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं दोस्तों ये। और जैसे ही मैं कैमरे को थोड़ा सा और क्लोज लेके जा रहा हूँ तो ये मेरे को काटने के लिए दौड़ रहे हैं। तो दोस्तों चैनल पर बने रहें दोस्तों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरी पूरी फुल वीडियोस देखेंगे तो काफ़ी आपको मज़ा आएगा दोस्तों। और ये देखिए, कुछ इस तरीके से जो है आज पूरे 35 डेज़ हो चुके हैं, और ये थोड़ा बहुत टहल रहे हैं अब और डर भी रहे हैं मेरे से दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबी है क्योंकि वीडियो में मैं आपको शुरू से लास्ट तक पूरा इसका हैच कंप्लीट दिखा रहा था कि कितने दिन के बाद जो है ये कैसे नज़र आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें। और अब जो है ये इसमें काफ़ी गंदगी भी होगी है, तो इसकी सफाई भी करनी पड़ेगी। और ये आज जो है 38 डेज़ के बाद जो है ये बिल्कुल बाहर निकले हैं अभी थोड़ा बहुत, और देखिए कुछ इस तरीके से जो बाहर निकल के टहलने लगे हैं अभी। ये देखिए, तो 38 और 40 डेज़ के बाद जो है ये कुछ इस तरीके से बाहर टहलने लगे हैं, और थोड़ा बहुत जो है ये कुछ सीख रहे हैं खाने के लिए। ये घास वगैरह में हल्का फुल्का जो है चोंच मार रहे हैं 38 से 40 डेज़ के बाद। और अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि इनके जो पीलापन है, इनके जो पंख हैं, ये कैसे वाइट कितने दिन में हो जाएंगे। तो पूरी वीडियो जो है पूरी देखें आप। तो दोस्तों 40 दिन के बाद भी ये ऐसे ही पीले कलर के ही दिखाई दे रहे हैं, और आज जो है इसको पूरे 42 दिन हो चुके हैं दोस्तों इनके बच्चों को अंडे में से निकले हुए। और आज मुझे लग रहा है कि ये इनको नहाने के लिए जो है लेके आई हैं यहाँ पे, तो ये खुद पहले एक एक करके अंदर गई हैं और इनको बता रही हैं कि ऐसे आप भी आओ और इसमें नहाओ। तो मैं पहले डर गया था कि शायद ये डूब ना जाएं, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ये तैर रहे हैं पानी में।
और काफ़ी खुशी हो रही है मुझे इनको तैरते हुए देखते हुए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से सारे जो हैं बच्चे पानी में चले गए हैं और अच्छे से तैर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा है, लेकिन आप पूरा वीडियो देखें। ये देखिए चारों के चारों जो है वो बहुत अच्छे से तैर रहे हैं दोस्तों, और काफ़ी खुशी हो रही है हमें इनको तैरते हुए देखते हुए। ये देखिए काफ़ी अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। ये देखिए आपको थोड़ा सा क्लोज दिखा देता हूँ, और जैसे ही दोस्तों मैं इनके थोड़ा सा पास में जा रहा हूँ तो ये बिल्कुल ऐसे अटैक कर रहे हैं, काफ़ी एग्रेसिव हो गए हैं दोस्तों। अब मेरे को इतना ज़्यादा तो अटैक नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई अदर पर्सन यहाँ पे आता है इनको देखने के लिए तो दोस्तों काफ़ी अटैक करते हैं इनको। और दोस्तों 45 दिन के बाद भी इनका जो है वो कलर येलो ही है, हल्का जो है वो वाइट होने लगा है अभी। ये देखिए ये एक, ये देखिए कितना बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा काफ़ी अटैक करते हैं दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों ये 60 डेज़ के बाद जो है कुछ इस तरीके के इतने बड़े जो हैं हो चुके हैं अपने राजहंस के चिक्स, और ये अब प्रॉपर वाइट कलर में ये दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। दोस्तों पूरी फुल वीडियो जो है वो अभी और बनाता मैं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती, तो बीच में मैंने काफ़ी स्किप कर दी है ये, तो आपको जो है आप बोर ना हो। और ये देखिए 65 डेज के बाद जो है ये कुछ इस तरीके से इनके जो हैं फैदर हल्के जो हैं वो आने लग गए हैं दोस्तों। और दोस्तों एक चिक्स जो है वो आपको इनमें गायब नज़र आ रहा होगा, तो वो चिक्स जो है जो हल्का कमज़ोर था दोस्तों, तो वो मर गया अपने आप ही, शायद से इनके नीचे दबके मर गया है। और अभी जो है ये पूरे 90 दिन हो चुके हैं दोस्तों इनको चिक्स को अंडे में से निकले हुए, और 90 दिन के बाद जो है इनके फैदर जो हैं वो अच्छे से आने लग गए हैं अब। और इनमें से जो है एक पेयर जो है वो मैंने सेल कर दिया है दोस्तों, तो अभी आपको सिर्फ एक ही चिक्स दिखाई दे रहा होगा। तो एक मेल और फीमेल जो है वो मैंने सेल कर दिए हैं, और इसमें से अब एक ही बचा है। काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है दोस्तों इनकी, तो मैंने वो सेल कर दिया क्योंकि मेरे पास रखने के लिए इतना ज़्यादा स्पेस है नहीं, और मैं सिर्फ एक ही रखना चाहता हूँ, एक ही पेयर। तो ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों पूरे 100 दिन के बाद जो है ये देखिए इसके पूरे फैदर जो हैं वो बिल्कुल वाइट आ चुके हैं, और काफ़ी अच्छे से जो हैं पूरे पंख इसके आ चुके हैं। ये देखिए ये अच्छे से जो है ये फैला रहा है। ये देखिए 100 डेज़ के बाद जो है ये इसके फैदर जो हैं वो काफ़ी हद तक आ चुके हैं, 90-95% जो है इसके फैदर आ चुके हैं दोस्तों। और ये मेरे को काट भी रहा है, मेल जो है, फीमेल इतना अटैक नहीं करती है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से, और दोस्तों वैसे ये बिल्कुल शांत पक्षी हैं, लेकिन जैसे ही इनके इनको खतरा रहता है कि इनके बच्चों पे कोई ख़तरा आ रहा है तो ये बिल्कुल अटैक करते हैं दोस्तों। और इनकी चोंच जो है वो काफ़ी पैनी होती है दोस्तों आगे से, तो ये ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन ये खून जमा हो जाता है अगर ये एक बार चोंच मार दें तो। तो दोस्तों पूरे 4 महीने के बाद जो है वो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देते हैं राजहंस के चिक्स, और काफ़ी पूरे फुल वेदर आ चुके हैं दोस्तों अब इनके, और काफ़ी अच्छे, देखिए पहचान नहीं पाओगे आप कौन सा चिक्स है और कौन सा मैच्योर मेल और फीमेल है। तो दोस्तों इनकी जो पहचान होती है वो आपको मेल और फीमेल की, वो आपको जो है पूरे 6 से 7 महीने बाद ही हल्की फुल्की पहचान होने लगती है इसकी कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो मैंने जो है मेल जो है वो बेसिकली जो हेल्दी होते हैं और उनकी गर्दन भी थोड़ी उठी हुई होती है, तो मैंने जब ये एक पेयर बेचा था तो उस टाइम पे मुझे पहचान हो गई थी कि ये मेल है और ये फीमेल है। फीमेल की जो है वो ग्रोथ थोड़ी कम रहती है, और मेल जो है वो जल्दी उनकी ग्रोथ होती है, और उनकी जो चोंच है उसका साइज़ भी थोड़ा उठा हुआ होता है आगे से और थोड़ी लंबी होती है गर्दन भी उनकी।
तो दोस्तों चैनल पर बनने के लिए धन्यवाद, और आपको पूरी फुल वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।